ओम नमः शिवाय। आज मैं राकेश झुनझुनवाला जी की कुंडली लेके आया हूँ। राकेश झुनझुनवाला जी का जन्म 5 जुलाई 1960 में हुआ। इन्होंने शेयर मार्केट से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए। इनकी जो जन्म कुंडली है, कन्या लग्न की जन्म कुंडली है। कन्या राशि के स्वामी बुध लाभ भाव में बैठे हुए हैं। लाभ से इनका व्यक्तित्व बन रहा है, साथ साथ शनि की दसवीं दृष्टि पड़ रही है, तो वो भी अच्छा करेगी बुध के घर में। अब हम इनके धन भाव की बात करते हैं। धन भाव में देखिए, तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र कर्म भाव में बैठे हुए हैं। कर्म से इनके जो है धन की वृद्धि हो रही है, साथ साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं और इसमें देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो चंद्र मंगल योग के कारण धन लक्ष्मी योग बन रहा है और ये इनको धन भाव में ही बन रहा है, तो इसलिए इनको काफ़ी धनवान बना रहा है। साथ साथ देखिए केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो वो भी अच्छा कर रही है, धन दिला रही है। अब हम पराक्रम भाव की बात करेंगे, तो पराक्रम में देखिए वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और आठवीं दृष्टि से अपने ही घर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे मंगल अपने ही घर में देखने के कारण इनके पराक्रम काफ़ी अच्छा हो रहा है। मंगल का पराक्रम अपने घर में हो तो मंगल पराक्रम के ही कारक हैं और अपने घर में काफ़ी अच्छा पराक्रम करेंगे, तो इनका पराक्रम काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब हम बात करेंगे इनके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव सुख सुविधा भूमि वाहन मकान का है, जहाँ पर धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी गुरु अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो इस कारण जो है इस भाव को अच्छा करेंगे, गुरु अपने घर को अच्छा करेंगे। साथ साथ शनि बैठे हुए हैं, गुरु और शनि संयोग बना रहे हैं, सूर्य और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी इनके भाव को अच्छा कर रही है और राहु की दृष्टि पड़ रही है तो वो भी अच्छा कर रही है। तो यहाँ पे क्या इन दृष्टियों के कारण ये भाव चतुर्थ भाव काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो इनको ये सारी चीज़ों की प्राप्ति हो रही है। अब हम इनके विद्या भाव की बात करते हैं। विद्या भाव में देखिए मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि सुख भाव में चतुर्थ भाव में बैठ गए हैं। यहाँ भी देखिए त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र में बैठ गया है, तो अब इसमें देखिए ये पंचम भाव जो है शेयर मार्केट का भी भाव होता है, और यहाँ पे देखिए शनि जो है बैठे हुए हैं पंचमेश जो है केंद्र में बैठे हुए हैं। पंचमेश का संबंध भाग्येश से और धनेश से, शुक्र से हो रहा है, तो भाग्येश से धनेश से होने के कारण पंचमेश का संबंध भाग्येश से और धनेश से होने के कारण और सुखेश वहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका आपस में संबंध होने के कारण ये शेयर मार्केट में आए और शेयर मार्केट में इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। क्योंकि जब भी पंचमेश जो है शेयर मार्केट के स्वामी का संबंध जो है धनेश से भाग्येश से सुखेश से हो जाता है, तो इन कंडीशनों के कारण वो शेयर मार्केट का योग बन जाता है। अब हम बात करते हैं, तो पंचम भाव में देखिए बुद्ध की भी दृष्टि पड़ रही, बुद्ध बुद्धि के कारक हैं, तो बुद्धि के कारण भी इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। अब हम इनके छठम भाव की बात करते हैं। छठम भाव रोग ऋण शत्रु का है, जहाँ पे केतु बैठे हुए हैं और देखिए ये इस कुंभ राशि के स्वामी शनि जो है चतुर्थ भाव में बैठ के अपनी तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, यानी शनि का अपने घर को देखना ये काफ़ी अच्छा योग बना रहा है। यानी रोग ऋण शत्रु तो इनके सुख सुविधा भूमि वाहन मकान के कारण बनेंगे, लेकिन शनि उसमें अपनी दृष्टि डाल दे रहा है, तो उसको वो अच्छा कर देगा, उसको ख़राब नहीं करेगा। और ये कभी भी जो है मतलब जो है सुख सुविधा ये जितनी सुख सुविधा भूमि वाहन मकान के कारण जो शत्रु बनते हैं उसको वो हानि नहीं पहुँचाएंगे। अब हम इनके बिजनेस भाव की बात करते हैं। तो बिजनेस भाव में देखिए मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरु देखिए यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठ गए हैं, यानी चतुर्थ यानी सुख भाव में बैठ गए हैं और वो भी अपने घर में। तो इनका जो व्यवसाय है सुख सुविधा भूमि वाहन मकान के कारण इनका व्यवसाय काफ़ी अच्छा रहेगा, और जो है गुरु अपने घर में बैठे हैं तो इनका व्यवसाय इसी कारण जो है इनका जो है ना ये शेयर मार्केट का योग बन रहा था, तो इनका इसी में इनका व्यवसाय हुआ। अब हम बात करते हैं इनके जो है अष्टम भाव की, जहाँ पर मंगल अपने घर में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल का विपरीत राजयोग बनना और चंद्रमा की दृष्टि देखिए, चंद्र मंगल का योग बनना, धन लक्ष्मी योग बनना, ये भी काफ़ी अच्छा है, और राहु की दृष्टि पड़ना ये भी अच्छा है, और गुरु की दृष्टि मंगल के घर में काफ़ी अच्छा प्रभाव देती है। देखिए ये शोध का रिसर्च का एनालिसिस का है, तो शोध और रिसर्च एनालिसिस से ये काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मंगल अपने घर में बैठे हैं, चंद्र मंगल का योग बन रहा है। अब हम इनके भाग्य की बात करते हैं। वृषभ राशि है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र कर्म भाव में बैठे हैं, कर्म से
इनका भाग्य ही बन रहा है, कर्म से इनका भाग्य बन रहा है, तो कर्म के कारण इनका जो है भाग बन रहा है। अब हम इनके कर्म की बात करते हैं, तो कर्म देखिए, कर्म की मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध जो है लाभ भाव में बैठ गए हैं, लाभ से इनका कर्म हो रहा है, साथ साथ सूर्य और शुक्र बैठ के चमत्कार योग बना रहे हैं, बुध के घर में काफ़ी अच्छा योग बन रहा है, और शनि और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि गुरु की जो है बुध के घर में दृष्टि अच्छी पड़ रही है, तो गुरु जहाँ दृष्टि है उसे अच्छा करते हैं, और केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो केतु की दृष्टि के कारण इनका जो है कर्म जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब हम लाभ भाव की बात करते हैं, देखिए लाभ भाव में देखिए कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा धन भाव में बैठ गए। देखिए जब भी धन भाव का, जब भी लाभ भाव का स्वामी धन भाव में बैठ जाए तो ये व्यक्ति को काफ़ी अमीर व्यक्ति बनाता है, काफ़ी इनको जो है पैसा देता है। देखिए यहाँ पे जो है लाभ 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 का स्वामी जो है धन भाव में बैठा है, तो धन से लाभ की वृद्धि हो रही है, जो भी इनके पास पूंजी है उससे इनको लाभ प्राप्त हो रहा है, और जैसा कि हमको मालूम है कि शेयर मार्केट में अपन जो पैसा लगाते हैं उससे अपन को लाभ प्राप्त होता है, तो वो ये इस योग के कारण इनको जो है लाभ प्राप्त हो रहा है, और वहाँ पे बुध बैठे हुए हैं तो बुध भी लाभ करा रहे हैं। अब हम इनके वै भाव की, विदेश भाव की बात करते हैं, जहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, देखिए सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य कर्म भाव में आ गए, कर्म से इनका वै भी हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि जो इनका काम है उसमें इनको खर्च भी करना पड़ेगा, और उसमें से देखिए उसमें से केतु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि सॉरी जो है गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं उसे जो है अच्छा कर देते हैं, तो गुरु इनका सही डायरेक्शन में खर्च करा रहे हैं, और केतु की दृष्टि पड़ती है, इनका खर्च भी अच्छा हो रहा है। और देखिए इसके पहले मैंने लाभ भाव में बता रहा था कि मंगल की भी दृष्टि पड़ रही, तो मंगल के कारण भी इनको जो है चौथी दृष्टि पड़ी, मंगल के कारण भी लाभ प्राप्त हो रहा है। अब मैं आपको एक बार फिर ये बताना चाह रहा हूँ कि इनकी कुंडली में खास योग क्या क्या है, तो सबसे ज़्यादा खास योग है चंद्रमा का, जब भी क्या है लाभ भाव का स्वामी धन भाव में बैठ जाए तो ये व्यक्ति को काफ़ी अमीर व्यक्ति बनाता है। दूसरा शनि और गुरु का अपने घर में बैठना, शनि गुरु का संयोग बन रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा। सूर्य शुक्र का चमत्कार कर्म भाव में बनना, ये भी काफ़ी अच्छा है। मंगल का अपने घर में बैठना और विपरीत राजयोग बनाना और अपने घर में दृष्टि, ये भी काफ़ी अच्छा योग। शनि का अपने घर में दृष्टि, ये भी काफ़ी अच्छी योग। और यहाँ पे देखिए शेयर मार्केट का योग जो बन रहा है, ये पंचमेश का भाग्येश से, धनेश से और जो है सुखेश से आपस में संबंध बनने के कारण ये कुंडली काफ़ी अद्भुत होती है। धन्यवाद।